हेलो फ्रेंड्स, मैं भावना, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो आज मैं लेके आई हूँ एकदम झटपट और आसान तरीके से बनने वाला नाश्ता, ब्रेड ऑमलेट की रेसिपी, जिसको बच्चे बूढ़े सभी खाना पसंद करते हैं और एकदम आसान तरीका से बनने वाला बिना झंझट के। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। ब्रेड ऑमलेट के लिए हम एक टमाटर, एक शिमला मिर्च, 4 हरी मिर्च को बारीक काट के ले लिए हैं। और इसके बाद इसमें 2 बड़े साइज का प्याज जो एकदम बारीक से चॉप कर ली हूँ, और थोड़ा सा हरा धनिया सभी को चॉप करके ले लिए हैं। और इसके बाद हरी चटनी और लाल चटनी, टोमेटो केचप जो हम यूज कर रहे हैं ब्रेड ऑमलेट के लिए। तो देख सकते हैं मैं जो मसाला यूज कर रही हूँ ब्रेड ऑमलेट के लिए, तो ये सब है और ब्रेड। तो चलिए देख सकते हैं कितना एकदम झटपट, अगर कुछ घर में ना हो तो आप ये ब्रेड ऑमलेट बना सकते हैं, जिससे कि बच्चे भी खुश हो जाएंगे और बनाने का कोई झंझट भी नहीं, और बच्चे बूढ़े बड़े प्यार से खाते हैं और बन भी जाता है बिना झंझट का। मुश्किल से 5 मिनट भी नहीं लगता है ब्रेड ऑमलेट के बनने में। तो आप एकदम आसान तरीके से इसको बना सकते हैं ब्रेड ऑमलेट की रेसिपी। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम 2 अंडा ले लें, उसको फोड़ के। तो देख सकते हैं अंडा हम ले लिए, इसको तोड़ने के बाद अब इसमें हम डालेंगे हरा धनिया, प्याज, और उसके बाद इसमें डाल दिए थोड़ा सा टमाटर, शिमला मिर्च, हरी मिर्च, और टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें जाएगा नमक। नमक डालने के बाद इसको एकदम अच्छी तरीके से फेंट ले। फेंट लिए अंडा को, अब हम पैन लिए, इसमें पैन गर्म हो गया, इसमें डाल दिए सरसों का तेल। ज़्यादा तेल नहीं डाले, नहीं तो ज़्यादा तेल डालने से क्या होता है कि अच्छी तरीके से आपका ऑमलेट फैलेगा नहीं। तो तेल डाल दिए, अब हम इसमें अंडा डाल दिए, अब इसको अच्छी तरीके से फैला लेंगे। इसको अच्छी तरीके से फैला लें। अब हम इसमें डालेंगे ब्रेड। तो देख सकते हैं इस तरीके से साइड पे डालें। आप 2 ब्रेड का भी बना सकते हैं, 1 ब्रेड का भी बना सकते हैं। ब्रेड डाल दिए, अब थोड़ा वेट करेंगे कि अच्छी तरीके से सीख जाए ऑमलेट। उसके बाद हम इस पे लगाएंगे हरी चटनी और लाल चटनी ब्रेड के ऊपर। तो हरी चटनी हम लगा दिए अच्छी तरीके से, और इसके ऊपर अब हम लगा देंगे लाल चटनी। लगा दिए, ऑमलेट सीख चुका है। अब हम इसको पलट देंगे। पलट दिए हैं, देख सकते हैं कितना परफेक्ट ब्रेड ऑमलेट बनके तैयार हो चुका है, एकदम मार्केट के जैसा। तो ब्रेड ऑमलेट बनके तैयार हो चुका है। अब हम कटिंग करके इसके ऊपर सॉस लगा देंगे, और हरा धनिया और प्याज डाल दिए। अब ब्रेड ऑमलेट खाने के लिए बिल्कुल तैयार है, आप खा सकते हैं। तो था ना एकदम झटपट और आसान तरीके से बनने वाला ब्रेड ऑमलेट। अगर कुछ भी ना हो नाश्ते में या रात के डिनर में भी आप इसको खा सकते हैं, एकदम झटपट बनने वाला रेसिपी। इसी तरीके से सारे ब्रेड को हम बना लेंगे। अगर आपके पास शिमला मिर्च, टमाटर नहीं है तो सिर्फ हरा धनिया, प्याज और हरी मिर्च के साथ भी आप इसको बना सकते हैं। अगर ज़्यादा है तो इसके लिए आप चाट मसाला और
काला नमक या फिर आमचूर पाउडर है तो वो भी डाल सकते हैं, और नहीं तो आप इसके साथ भी बना सकते हैं। बहुत अच्छा और आसान तरीके से बनने वाला, जाड़े का मौसम है इसमें सब्जी भी आसानी से उपलब्ध हो जाता है, और अंडा खाना तो बनता ही है। तो मेरी रेसिपी अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो ये तो मैं टोमेटो केचप यूज कर रही हूँ और ग्रीन चिल्ली सॉस। आप घर में भी हरा धनिया का चटनी बना सकते हैं और रेड चिल्ली सॉस भी बना सकते हैं अगर आपको चाहिए रेड चिल्ली सॉस की रेसिपी। तो आप कमेंट करें, मैं ज़रूर रेसिपी शेयर करूँगी और ग्रीन चिल्ली सॉस की भी रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी। तो इसके ऊपर से फिर से मैं लगा दी सॉस गार्लिक के लिए, जिससे कि क्या देखने में ज़्यादा अच्छा लगता है। तो फ्रेश धनिया और प्याज डाल दिए तो मेरा ब्रेड ऑमलेट बनके तैयार है। तो आप झटपट और गरम खाएं तो बहुत अच्छा और परफेक्ट बन खाने में लगता है। ठंडा हो जाने के बाद टेस्ट इसका बेकार हो जाता है, इसीलिए आप गरम गरम जितना गरम खा सके उतना अच्छा होता है।